हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर ए बी सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है उसके तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी और सी। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, जो चौथा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ये दिया हुआ नहीं है, हमें इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो मैं एज्यूम कर लेते हैं जो फोर्थ वर्टेक्स है डी, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम का क्या होता है कि वी नो दैट द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका जो दोनों डायगनल का जो मिड पॉइंट होगा वो कॉमन होगा दोनों के लिए, इस डायगनल का मिड पॉइंट और इस डायगनल का मिड पॉइंट वो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट तो वो क्या आ जाएगा, 3 ± 6/2 कॉमा -4 + 2/2। ठीक है, 3 - 6 ये हो गया -3/2 कॉमा -4 + 2 - 2 - 2/2 - 1। ये मिल गया हमें मिड पॉइंट ऑफ ए सी और अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस वन बाई टू कॉमा बी प्लस माइनस थ्री बाई टू। ये हो गया ए माइनस वन बाई टू और ये हो गया बी माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो जो ए बी का मिड पॉइंट है, ये सॉरी ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट, वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। वी नो डैट मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो हम इक्वेट कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को, ये जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का एक्स वाला पार्ट है और ये बी डी का एक्स वाला पार्ट, -3/2 इज इक्वल टू ए -1/2 और -1 इज इक्वल टू बी -3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 -3 + 1 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू आ गया -2 और यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, तो -2 इक्वल टू बी -3 -2 + 3 इक्वल टू बी, तो यहाँ से बी का वैल्यू आ गया 3 - 2 = 1। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया -2 और बी का वैल्यू आ गया 1, तो जो कोऑर्डिनेट है डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2, 1। जो पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स मिसिंग था वो हो गया -2, 1। और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।